मिलन में शामिल होंगे। देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। मुझे करने का अवसर मिला है, इसके तहत पीएम किसान तो बड़ी खबर इस वक्त की है। काशी को इंतजार प्रधानमंत्री का, वो इंतजार खत्म हो गया है। काशी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और थोड़ी ही देर में उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेहंदीगंज जहां पर तैयारी कर ली गई है, किसानों से संवाद भी होना है, सम्मान निधि की राशि भी जारी करनी है और साथ ही उन महिला कृषकों से भी पीएम मोदी मुखातिब होंगे जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जाना है। इन महिला कृषकों का नाम कृषि सखी रखा गया है, 30,000 संख्या है, ये सभी यहां पर मौजूद होंगे। थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इससे पहले के वाराणसी दौरे की। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री यहां से सांसद चुने गए, संसद पहुंचे वाराणसी से। 2014 में जो रिश्ता बनारस के लोगों और नरेंद्र मोदी के बीच बना वो 2024 में भी कायम है। 2014 लोकसभा चुनाव भारी मतों के अंतर से विजयी हुए, 2019 और अब 2024 में तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी तो वाराणसी से ही वो संसद में पहुंचे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे, फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे, किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे, 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे, 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।